आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है बॉस। ये मेरा अंदाजा नहीं, यकीन है। मैं अपने स्वर्गवासी भाई को अच्छी तरह जानता हूं और यह भी जानता हूं कि जिंदगी भर उसने दौलत जमा की है, खर्च नहीं की। लाखों रुपए उसने कहीं ना कहीं दबा रखे हैं। सारा मकान तो खुद डाला है बॉस, आखिर कहां दबा रखे हैं? इसका पता तो एक मिनट में चल सकता है, बशर्ते कि वो कागजात मिल जाएं जो मेरे भाई को जान से भी ज्यादा अजीज। वो जरूर आपकी भतीजी अंजू के पास होंगे। मेरा भी यही ख्याल है और मैं कोशिश भी कर चुका हूं, लेकिन जब तक वो दो कौड़ी का नौकर रामू जिंदा है, अंजू नहीं बताएगी। ये कौन सी मुश्किल बात है बॉस? आपका हुक्म हो तो रामू को आज ही खत्म किया जा सकता है। शाबाश, तुम मेरा मतलब समझ गए हो। रामू काका, तुम्हारी जान खतरे में है, जल्दी से पुलिस को टेलीफोन कर दो। अच्छा बेटा, अगर तुम वो कागजात संभाल के रखना, मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। अच्छा। लाश को बक्स में बंद करके सुबह 6:30 बजे वहीं पहुंचा दो। कहाँ बॉस? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। ओ, तो यहाँ हो तुम? कहाँ है वो कागजात? मुझे नहीं मालूम। देखो अंजू, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मुझे कागजात के बारे में बता दो तो तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। बता बता। मुझे नहीं मालूम। बॉस, अगर ये नहीं बताती तो क्यों ना इसे भी खत्म कर दिया जाए। नहीं, इस तरह वो कागजात हमारे हाथ नहीं आ सके। इसका जिंदा रहना ही जरूरी है। अगर इसने किसी को खून के बारे में बता दिया तो मैं इसको ऐसी जगह रखूंगा जहां जिंदगी भर चिल्लाती रहे और कोई ना सुने। आओ आओ बेटे, आओ मेरे साथ। आ जाओ। लुनावला ले जाओ गदरे के पास, 5,000 रुपया उसे दे देना और बोलना कि इसका ख्याल रखे, फिर और भी मिलेंगे। ओके बॉस। मोदी साहब स्पीकिंग। हैं? क्या कहा? अंजू भाग गई, उसके हाथ में छुरी थी और आप छुरी से डर गए। सुनिए, उसके सर पर खून सवार है, वो जरूर किसी का खून कर देगी। आप पुलिस में खबर दीजिए फौरन। Thank you.
तशरीफ लाइए। थैंक यू। यहाँ चाय अच्छी मिलती है। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। जरा यहाँ से चलिए। क्यों? कुछ मेरी जान पहचान के लोग हैं यहाँ, जिनसे मैं मिलना नहीं चाहती। प्लीज। मगर आप कहाँ जाना चाहती हैं? कहीं भी चलिए, यहाँ से चलिए प्लीज। क्या मांगता है साहब? कुछ नहीं। आप जिस लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो उस गाड़ी में जा रही है। लेकिन कुछ नहीं, आपने तो खुद ही कहा था जहां भी मैं ले जाऊं। चलिए। हाँ चलिए। अरे झटपट। हाँ झटपट। कुछ देखा? हाँ देखा। इसलिए कि इतनी देर से हम दोनों साथ हैं, फिर भी एक दूसरे का नाम नहीं जानते। मेरा नाम अंजू है। बड़ा प्यारा नाम है। और आपका? किशोर। ये उससे भी प्यारा है। सच? साहब, मैम साहब ने सलाम भेजा है। वो नाक में दम कर रखा है इस मैम साहब ने। क्या तो मुझे फुर्सत नहीं। साहब कहते हैं कि... सुन लिया, जाओ। बड़ी मुश्किल है अनजान अब।
भी तेरा दिल है। सहरा की चमक तेरे पी पानी का है धोखा देती, सहरा की चमक तेरे पी पानी का है धोखा देती। मासूम नजर क्या जाने ये शोलों की है खेती, मासूम नजर क्या जाने ये शोलों की है खेती। मत प्यास बुझा भूखे में ना, ये बड़ी टेढ़ी मंजिल है, ये रात बड़ी मुश्किल है, अनजान अभी तेरा दिल है। सूरत पे न जा बातों में ना, हर चीज यहाँ कातिल है, ये राह बड़ी मुश्किल है, अनजान अभी तेरा दिल है। तो वही है। गाड़ी के पास ही ठहर जाते वो जरूर बाहर आए। पद्मा, बकवास बंद करती हो या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं औरत हूँ, मेरे सीने में औरत का दिल है। और मैं मर्द हूँ, मेरे सीने में मर्द का दिल है। आप मर्द नहीं, दलील है। शट अप यू, शट अप मक्कार भी दगाबाज। मैं मोटर में तुमसे लिफ्ट मांगती और ना इस नर्क में आती। खामोश, वरना ज़बान खींच लूंगा। चल चल, बड़ा आया ज़बान खींचने वाला। देख लिया तुम्हारा कश्मीर, जहाँ जाके तुमने मुझसे शादी करनी थी। खामोश मैं कहता हूँ। मैं उस वक्त तक खामोश ना रहूंगी जब तक तेरे हाथों में हथकड़ी ना लग जाए। बदमाश कोकीन फरोश जवारी, मैं पुलिस को तेरे तमाम तहखाने बता दूंगी, जहाँ दिन दहाड़े लोगों के गले कटते हैं और मासूम लड़कियों की इज्जत नीलाम होती है। यकीन क्यों नहीं आता? इसलिए कि आप मुझे छोड़कर चले गए और फिर टेलीफोन ने आपको इस तरह पकड़ लिया कि आपने मेरी सुधी बिसरा दी। आई एम सो सॉरी डार्लिंग। सच कहता हूँ, श्रीनगर से अंकल बात कर रहे थे, कह रहे थे कि फौरन कश्मीर चले आओ। आपने क्या कहा? मैंने कहा जो हुक्म। तो फिर जाइए, मगर मुझे वहीं छोड़ आइए, उसी सड़क पर। हम कश्मीर चलेंगे दोनों। फिर झूठ। सच कहता हूँ डार्लिंग, तुम हाँ कहो तो अभी हवाई जहाज की टिकट मंगवा लेता हूँ। बंडल अंजू, वो कौन सा जतन है जिससे तुम मान जाया करती हो? ज़बान खामोश रहे और दिल बोले, यानी ज़बानी जमा खर्च नहीं मांगता। हम भी नहीं मांगता। चलो खाना वाना खा के आराम से सो जाएंगे और फिर सुबह कश्मीर चलेंगे। किशोर, एक बात का एक जवाब मांगती हूँ। बोलो क्या बात? अंजू पसंद है आपको? शीशे के सामने खड़ी होकर इस सवाल को दोहरा दो, जवाब मिल जाए। चौदहवीं का चांद
किसे पसंद नहीं आता? फूलों से किसे प्यार नहीं होता? सोच लीजिए। सोच लिया। ये मोहब्बत है? जानता हूं। खेल नहीं? मालूम। अच्छा तो फिर कश्मीर की टिकट मंगवा लीजिए, मैं कल सुबह यहां आ जाऊंगी। मगर अब कहां जाओगे? हॉस्टल। हॉस्टल? वापस ना आई तो? शीशे के सामने खड़े होकर इस फिक्र को दोहरा दो, जवाब मिल जाएगा। देखो तुम यहां मत आना, मैं हॉस्टल पहुंचाऊंगा। हॉस्टल आप नहीं आएंगे? तो आप आएंगे, आप गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया? ठीक सुबह 6:30 बजे। टाटा। छोड़ा? माफ, छोड़नी नहीं आती, लेने आती है। टाटा। टाटा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहाँ जाएंगी आप? मैं तो बस इसी बिल्डिंग में जाऊंगी। मोहिनी बिल्डिंग? मोहिनी बिल्डिंग। कौन सा फ्लोर? फिफ्थ फ्लोर है। फिफ्थ फ्लोर? फ्लैट नंबर 4। ओ, परिस्तान डांसिंग स्कूल। हाँ हाँ, परिस्तान डांसिंग स्कूल। मैं वहाँ लड़कियों को गाना सिखाती हूँ। ओ तो आइए, मैं आपको आपके फ्लैट तक पहुँचा दूँ। आइए 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 ना। वो गई उसके साथ। ठीक है, यही इंतजार करते। ये रहा 4 नंबर का फ्लैट। थैंक यू। कुछ चाय वाय पिलाए तो मैं भी आऊं। हाँ हाँ। चलिए। मुझे कुछ खबर नहीं। अपना घर और इस कदर बेखबरी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। ये क्या जगह है? आपका घर। मैंने तो झूठ बोला था। वो झूठ अब सच हो गया है। ये फ्लैट आप ही का है? जी नहीं, मैं वापस जाऊंगी। फ्लैट नंबर 4 में जो आती है ना मैम साहब, वो वापस नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये कि यहां का यही दस्तूर है। देखिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। इसी से पूछ लीजिए। इस फ्लैट में आने के बाद इसका पहरा शुरू हो जाता है। मोती जी। सरकार। दीदी कहां है? रिहर्सल करवा रही है सरकार। रिहर्सल के बाद इत्तला कर देना। जी सरकार। एक चैरिटी शो की तैयारियां हो रही हैं। जलवा जो तेरा देखा हमने, आंखों से शरारत हो ही गई
अपने अपने धंधे पे जा सकती हो। कल रिहर्सल फिर होगी। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते का जमाना तो कब का खत्म हो चुका है। आजकल तो हेलो चलता है, हेलो, समझी? दीदी आप यहीं रहती हैं? मोहिनी बिल्डिंग, फिफ्थ फ्लोर, फ्लैट नंबर क्या? ओ अच्छा जी, मैं कल आऊंगी। नमस्ते। अजीब, कल किसने देखी है? बैठिए ना थोड़ी देर, आजकल के जमाने में जो भी वक्त कट जाए गनीमत है। आइए आइए, बैठिए आइए।
सिगरेट? जी नहीं। करते क्या है आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये जमाना और कुछ ना करना? मेरा मतलब है यही तो दिन है कुछ ना कुछ करने के। आप क्या करती हैं? क्या नाम है तुम्हारा? पद्मा। नाम भी कितना पुराना है। तुम्हारा नाम तो डार्लिंग होना चाहिए। पूछो क्यों? आओ बताओ। क्या सोच है, क्या दर्द है डार्लिंग, तुम्हारी आवाज पे तो कुर्बान होने को जी चाहता है। हाँ मैडम, क्या लिखूं? चंदन, डार्लिंग को अंदर ले जाओ।
अब बोलो कितना? 10,000। 10,000? अरे दीदी नाराज होंगी। गोली मारो दीदी को। मुझे तो जो कुछ देखना था देख लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि दुकान बढ़ा दो अपनी। 1957 का जमाना और 1857 के सौदे बहुत अच्छे। तुम्हारे और मेरे धंधे में 100 साल का फर्क। सुना, ये राजबाबू 2-4 करोड़ का मालिक होगा। हाँ, इतने के तो होंगे। हाँ, तो फिर ये 10,000 का चेक लेने का क्या मतलब? इससे ज्यादा कौन देगा? वही देगा। उसका बाप देगा। पूछो कैसे? कैसे? फर्ज करो तुम मेरे खामिंद हो। जी नहीं, मुझे शादी से नफरत है। नफरत तो मुझे भी है, मगर फर्ज तो किया जा सकता है। अच्छा फर्ज कर लिया, फिर? मैं खूबसूरत हूँ ना? राजबाबू को भी पसंद हो? बहुत पसंद हो। बस मैं राजबाबू की आंखों में आंखें डालकर देखूंगी और कहूंगी, राजबाबू तुमने मोहब्बत बनकर मेरे दिल में चुटकियां लेनी शुरू कर दी हैं। फिर तो वो मर गया मेरा। और ठीक उस वक्त हाथ में पिस्तौल लिए हुए तुम आ जाओ, आंखों में गुस्सा लाओ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ो और कहो, जलील कुत्ते, मेरी ब्याहता बीवी से मोहब्बत कर रहा है। छक्के छूट जाएंगे उसके, पांव तले की जमीन निकल जाएगी और फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो मांगो सो देगा। इसका नाम है बुद्धू बनाना। देखा, तुम्हें भी पसीना आ गया। जब तुम्हारी ये हालत है तो उसका क्या हाल होगा? मेरे से भी बुरा होगा। पिस्तौल संभालो अपना और सुबह ठीक 6:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाओ। एक फटाफट टाइप की शादी हो तुम्हारी और फिर खैर नहीं बॉम्बे वालों की। मगर दीदी पूछेंगी तो? अरे ओ कुएं के मेंढक, मैं तुम्हें इस कुएं से निकालने की कोशिश कर रही हूं और तुम हो के दीदी 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 मारो गोली दीदी को। तुमने तो आज देखा है मुझे और मैं मुद्दत से जानती हूं तुम्हें। ए मिस्टर, ऐसे ही नहीं कह दिया था फ्लोर नंबर 5 फ्लैट नंबर 4? चंदन। हाँ। चंदन, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। चंदन, सच कह रही हो? चंदन, डार्लिंग को लाओ। मगर इससे पहले कि दीदी आ जाए, चलो मैं दूसरे दरवाजा छोड़ा हूँ। ओ चंदन, चलो। चलो जरा उसके सामने हो जाए।
फिर घंटे पार्टनर ये नहीं दरवाजे वाली बज रही है। दरवाजे वाली यार खुलते अंदर दरवाजा खुलती अंदर कौन है? कोई लड़की है। लड़की है आने दे। अरे क्या आने दो, मुझे तो कोई सीआईडी या जासूस मालूम होती है। ऐसा? हाँ अभी देखता हूँ। चलो अरे अभी तो इधर थी। ए, अपना पराया देख के हाथ जोड़ता है, सबको हाथ जोड़ता है। आप कौन है जी? जी मैं हूँ और आप ही से तो मिलने आई हूँ। मुझसे मालूम होता है आप जल्दी में दरवाजा भूल गई हैं और गलती से हमको खटखटा दिया। जी नहीं, मैं आप ही से मिलने आई हूँ, मिस्टर जॉनी वॉकर। आप तो नाम भी जानती। जरूर सीआईडी है, नाम पता तक बताती है। तू चुप रहना। आप क्या देख रहे हैं? जी मैं ऐसे ही देख रही थी। ऐसे ही तो फिर शौक से देखिए, लेकिन दिल में किसी तरह का वहम न लाइए, वरना आप बाहर नहीं जा सकेंगे। आप बार बार खिड़की दरवाजे क्यों देख रही हैं? हम क्या हैं? हमसे पूछिए, हमारी शराफत से पूछिए, हमारे ईमान से पूछिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग भी सही हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। जी मैं तालाब गंदा करने नहीं आई, मैं तो आप किसी की तलाश में ही है? अच्छा अच्छा, उसकी वो तो बेचारा नीचे से ऊपर चलेगा, पहले यही रहता था। आप मिस्टेक से जा रही तो कोई परवाह नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जी मैं तो कुछ नहीं मांगने थोड़ा ही आई हूँ मिस्टर जानी, मैं कुछ मांगने नहीं। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप जो कुछ देखने भी आई है ना, वो बिल्कुल गलत है। मैं ईमान से कहता हूँ, यहाँ सिवाय चार कुर्सी, एक सोफा सेट और दो भाई के कुछ भी नहीं है। और एक ये पैकेट है 600 रुपए का, सो हाजिर खिदमत है। क्यों चलू? लो डबल बेड, जरूर मुल्तानी होगा। कौन मुल्तानी? वो कोई नहीं, कोई एक अपना जान पहचान वाला है, रोज रात को आके परेशान करता है। तो नहीं उसको बोल दे जाने साहब सो गए, एक कम कर, वो बत्ती गुल कर दे ना, झगड़ा साफ। क्या कराना आज लफड़ा है? जाने साहब सो रहे हैं, कम से कम मौका देख के आया तो। चला गया? हाँ चला गया। तो बत्ती चालू कर दे। मैडम को छोकरी कहाँ है? मैं छोकरी कहाँ है? मैंने तो पहले ही बोला था, सीआईडी है, जरूर पुलिस लेने गए होगी। पुलिस मर गए। भाग भाग माल छुपा, जल्दी से चल। जॉनी वॉकर, माय गॉड, मैडम आप इस तरह देखेंगी ना तो हम तय हो जाएंगे। बात असल ये है कि हम तबीयत के गरम लेकिन दिल के नरम हैं। मालूम होता है आपको ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। नहीं नहीं एक बात है, और 6 महीने तो मेरा ख्याल है खाली पेंटिंग में लग गए होंगे, क्यों है ना? मैं जाऊंगी मिस्टर जॉनी। जाएंगे आप? अच्छी बात है। तो नहीं तो नहीं, इधर बोलो इधर। समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। चलो ना, हम छोड़ेंगे ना तुम जाओगी। ए मिस्टर जानी छोड़ो। ओ तो आप जरूर जाएंगी। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ।
और उसकी स्वीट हार्ट लेकर आओ। चलो चली आ, चली आ, चली आ। मिस्टर जॉनी वॉकर जी, आखिर आप चाहते क्या है? जी मैं ये चाहता हूँ कि आप तशरीफ रख दीजिए। रखिए ना, मैं कहता हूँ रखिए तशरीफ, प्लीज तशरीफ रखिए, मेरे दिल के मकान में तशरीफ रखिए। ये मेरे दिल के मकान में तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए, मेरे दिल के मकान में तशरीफ रखिए। फिर से ट्राई करो। यस, ओ हेवनली फादर, डोंट बादर, ग्लैड टू सी यू मिस्टर जॉनी वॉकर। मैडम ये है जॉनी वॉकर जूनियर, इनसे मिलिए। ये है आपका नाम बताइए ना, बताइए। मेरा नाम डार्लिंग। अरे वाह, क्या करारा नाम है कि जबान पे आते ही मजा आ जाए। मैं तो बार बार पुकारूंगा डार्लिंग डार्लिंग। ये है उसका स्वीट हार्ट सोडा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के गले मिल जाते हैं ना, तो नाच शुरू हो जाता है। ए टोनी, जरा सोडा खोल और नाच दिखा तो मैम सबको। देखा मैम सब डांस। ए लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं मिस्टर जानी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? अरे तबीयत ठीक करने के लिए तो पी जाती है ये। एक गिलास पकड़ो, गिलास। अरे लो ना भाई। अच्छा मेरे लिए नहीं तो जीप जाने की खुशी में सही। ये 1 2 3 वंडरफुल पीच। अरे बार बार हिच किया। वेरी गुड। क्या बात है टोनी, इधर से कचरा साफ करा। अभी साफ किया। डार्लिंग, प्योर डार्लिंग, मुझे तो एक एक दो दो नजर आ रहा हूँ। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इतनी और भी लो, दो दो का एक नजर आएगा। लो पियो। अरे जानी खाने का दुश्मन और पीने का दोस्त है। देखो डार्लिंग, एक पीता हूँ तो गम दूर हो जाता है, दो पीता हूँ तो लिटिल सरूर हो जाता है, और तीन पीता हूँ ना तो गला तैयार हो जाता है, और चौथे पे तो म्यूजिक सवार हो जाता है। टोनी चला गया मैं जिंदगी की राह में, हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में, तू भी गुनाह कर दिल किसी की चाह कर। देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में, चला गया मैं जिंदगी की राह में।
बात है। हसी हूँ मैं जवां है तू मगर बता कहाँ है तू। जहाँ हूँ मैं वहाँ तो जिंदगी नशे में चूर है। सरूर ही सरूर है तेरी नजर का नूर है। जरा करीब आ मेरे। अरे अपना भी मजबूर है और तू बहुत ही दूर है। देखता जला गया मैं जिंदगी की राह में। हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में। तू भी एक गुनाह कर जिंदगी तबाह कर। देखता जला गया मैं जिंदगी की राह में। चला गया मैं जिंदगी की राह में। हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में। तू भी गुनाह कर दिल किसी की चाह कर। देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में। बुरा हाल है। गदरे बोल रहा हूँ। कसरे, मैं तुम्हारे टेलीफोन के इंतजार में था। क्या तुमने अंजू को पकड़ लिया? पकड़ा तो नहीं, मगर साय की तरह उसका पीछा जरूर कर रहे हैं। आप जल्दी से लाश को ठिकाने लगा दीजिए। ये काम मोटरबोट के बगैर नहीं हो सकता। और हमारी मोटरबोट सुबह 6:30 बजे गेट पर पंडिया पहुंच रही है। उस वक्त तक अंजू की हरकतों पर पूरी तरह नजर रखने की जरूरत है ताकि वो पुलिस स्टेशन तक न जा पहुंचे। समझे? आप तसल्ली रखिए, वो इत्मीनान से अपना काम करें। 6:30 बजे से पहले पहले हमारे कब्जे में होगी। Max!
कृष्णा देवी, 2 लाख तुम्हारी वजह से कमाया। और थैंक यू सीता देवी, 2 लाख तुम्हारी वजह से कमाया। थैंक यू लीला देवी, तुमने भी 2 लाख रुपए की मेहरबानी की। और थैंक यू देवी, क्या नाम तुम्हारा भूल गया, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, चंपा देवी, हाँ तुमने भी 2 लाख मेरे तिजोरी में रखने के लिए मेहरबानी की। ए भैया, जब देखो सारे घर की बत्तियां जलाकर अपनी मरी हुई बीवियों की तस्वीरों से बातें करते रहते हो और ये तिजोरी के नोट देखते रहते हो, मैं पूछती हूँ ये आदत कब छोड़ोगे तुम? बहन तू चुपचाप जाके सो जा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी देवी, थैंक यू। फिर वही बात, ये क्या सनक हुई भला, ब्याह के लाए 2 लाख का बीमा करवाया, फिर पहाड़ से धक्का दे दिया और अब उनकी तस्वीरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो। वो आदमी जिसने इन 6 दीवियों का खून किया वो मर चुका बहन, अब इस शरीर में वो आदमी है जिसको पैसे की तमन्ना नहीं सुख की तमन्ना है। सीता देवी को समुंदर में डबो दिया, हाँ। कृष्णा देवी को जहर दे दिया, हाँ। लक्ष्मी देवी को पहाड़ से गिरा दिया, हाँ। मैं कब ना कह रहा हूँ बहन, लेकिन अब मेरा दिल बच्चे के लिए बहुत तरसता है। तेरा मतलब है कि 7वीं शादी हो अब तेरी? शादी हो या ना हो बहन, लेकिन बच्चा जरूर होना चाहिए। ओफो, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। खामा का डरा दिया।
बकवास इन्होंने इन्होंने कौन हो तुम लड़की? ये तो मैं देख रहा हूँ, नहीं किसकी लड़की हो और यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हूँ मैं आपको भी बताती हूँ, आप जरा मेरे साथ आइए। कौन सा धुना चलाने के लिए? दरवाजे पर खिड़कियां बंद, रोशनदान तक बंद, फिर आई कैसे? मुसीबत यहां से आई हो? निकल जहां से, निकल जहां से, वरना मैं पुलिस टेलीफोन कर दूंगा। मामला बढ़ जाएगा, मामला बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूं? मेरे पीछे तो बदमाश पड़े हैं। हाँ बदमाश? जी हाँ, हाँ। पहले जबरदस्ती की शादी करते हैं, फिर 2 लाख रुपए का बीमा कराते हैं, फिर पहाड़ पे से धक्का दे देते हैं। ऐसा करते हैं वो लोग? ऐसा करते हैं वो लोग? देखिए ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करते हैं। जरूर जरूर, क्या बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज आज नहीं, देखो तुम थक गई हो, आराम करो। वो बदमाश चले जाए, उसके बाद तुम भी चले जाना। कौन है भैया? बदमाश नहीं, वो बेचारी गरीब है, मुसीबत की मारी शरणार्थी। क्या नाम है तुम्हारा? जी लाजवंती। लाजवंती, कितना प्यारा नाम है। भैया जरा बात सुनो। ठहरो, आदमी का बीमा तो नहीं कराएगा? नहीं, उसे बच्चे की मां बनाएगा ना, जो ईश्वर की इच्छा। तो फिर इससे अच्छी लड़की और कहां मिलेगी? ठीक तो है, तो जा फिर उससे बात कर ले। जा जा। तो सिर्फ 10 लाख रुपये है, इससे दुगनी बैंक में है, लेकिन सब मिट्टी है। क्यों? मेरे मरने के बाद इसका कौन मालिक है? कोई नहीं। बड़े अफसोस की बात है। मगर ये सब तस्वीरें किन की हैं? वो तस्वीरें, वो ये 3 तो मेरी बहनें थी। अच्छा, और वो 3?
वो तीन उनकी बहनें थी। मगर अफसोस इस बात का है कि ये सब की सब ईश्वर को प्यारी हो गई। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी दौलत मैं किसके नाम पे लिख दूं? मेरा नाम लिख लीजिए, पता ठिकाना बता देती हूँ। तुम कहो और सारी दुनिया की सैर करा दूं। अब तो दुनिया की सैर हो ही जानी चाहिए ना? कब चलिएगा? ऐसे नहीं। फिर कैसे? फिर पहले शादी फिर शहर। पहले शहर फिर शादी। मंजूर है मंजूर है। फ्रूट ले आओ खाओगे? मेरे दिल के ओढ़न खटोले ओढ़ता जा तू हौले हौले। चल मेरे दिल के ओढ़न खटोले ओढ़ता जा तू हौले हौले। चल मुझे उड़ा के दुनिया से छुप छुपा के, ले चल मुझे उड़ा के दुनिया से छुप छुपा के, रास्ता दिखा रहे हैं झोंके तुझे हवा के। बस्ती है दूर फिर भी जरूर जाना है दिल ये बोले होए होए। चल मेरे दिल के उड़न खटोले उड़ता जा तू हौले हौले। चल मेरे दिल के उड़न खटोले उड़ता जा तू हौले हौले।
मंजिल मेरी वहाँ है, साथी मेरा जहाँ है। मंजिल मेरी वहाँ है, साथी मेरा जहाँ है। रंगीन सी वो दुनिया फूलों के घर में आ है। छाई बहार दिल पे करार फिर बार बार टोले। होय होय चल मेरे दिल के उड़न खटोले, उड़ता जा तू हौले हौले। चल मेरे दिल के उड़न खटोले, उड़ता जा तू हौले हौले। चौं चा जा सची चपू चो चौं समा सची चपू चप द्रोम पालू दाजी चपू तड़गे पाकि छाओ दाजी जजी चपोका प्रोपर्टी जारी चपोटर बिल्ला सोमा जो आदारी बाड़ी का कुर्मा जैसा वो आदारी रे वो काटी चपा त्रदाशे शशु चपो चाचे चपा त्रो पाले तातो साड़ी तर बिल्ला के पाइगो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी की है। ये तुमको नहीं तुम्हारी तिजोरी को हासिल करना चाहती है। लाजू को मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। पुलिस पुलिस नहीं, मैं उन्हें नहीं खोलूं। मैं लाजू को मार डाला है, तुम उन्हें नहीं खोलूं। मैंने मारा दीदी, तुम उन्हें नहीं खोलूं। मैंने मारा दीदी, तुम उन्हें नहीं खोलूं। मैंने मारा दीदी, तुम उन्हें नहीं खोलूं। मैंने लाजू को मार डाला, पुलिस दरवाजा खटखटा रही है। मैं पकड़ ले गया, मैं मर जाऊंगा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है पुलिस? कहाँ मार डाला लाजू को? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे तुम? कहाँ है लाजू? अरे वो तो बाथरूम का दरवाजा खटखटा रही है, जाओ खुलो उसे। तो क्या मैं सपना देख रहा था? अरे बहन मैं कहाँ था, आप कहाँ थी? आप कहाँ थी? अफ्रीका, अमेरिका, चीन, और फिर हमारी शादी हो गई। जरा जरा सिंह को पकड़ लीजिए, मैं अभी आई। इजाजत है। शुक्रिया। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले शादी करूंगी, फिर सैर करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर कहो तो अगले हफ्ते शादी का बंदोबस्त कर दो। अगले हफ्ते क्यों? फिर कल कल सुबह ठीक 6:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाइएगा। अच्छा जाइए। ठीक सुबह 6:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया। सुनिए, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम लक्ष्मीदास। अच्छा जाइए, पहले आप जाइए। मैं? अच्छा नमस्ते।
ये पुलिस की गाड़ी से काहे को डरती है रे? क्या जो पुलिस की गाड़ी नहीं थी छोड़। अरे आपन बहुत घूमे ला इस गाड़ी में, बोल काहे को डरती है? अरे बोल ना। अपने से ये बंडलबाजी नहीं चलेगी। क्या आप उनका भेजा थोड़ा घूमेला है? अच्छी बंबई कांपती है आप उनके नाम से मालूम? मगर तो चाहते क्या? अरे आपन को साफ बोलना ये लफड़ा क्या है। बोरी बंदर से चौपाटी और कुलाबे से चर्च गेट तक अपना ही राज है। क्या तुम्हारी ये पुलिस भी आप उनको कुछ नहीं कह सकती? यहाँ के सब चोर चुपके आप उनको उस्ताद मानते हैं क्या? क्या बोलूं? अरे यही कि इधर काहे को घूमती है तू इस टाइम? क्या ठंडे ठंडे बोल दे, नहीं तो फोकट में घोटाला हो जाएगा। क्या कौन है तू? चोर। ओ अब आई सीधे रास्ते पर। क्या जब ही पुलिस की गाड़ी तेरे पीछे थी ना? हाँ। पन तो कोई चिंता नहीं कर रहे। क्या शंकर के होते हुए तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या चोरी किया है तूने? अभी तो कुछ चोरी नहीं किया, आज तो मेरा पहला दिन है। पहला ही दिन है? फिर तो तू एकदम अनाड़ी है। परवांदा नहीं रे। क्या अपन तेरे को सब कुछ सिखा देगा। नाम क्या है तेरा? चंचल। एकदम चटपटा नाम है रे। क्या रहती किधर है? खड़ा पारसी। खड़ा पारसी, तो फिर बैठ जा आप उनके पास, फजर में तेरे को पार्सल कर देंगे उधर। नहीं नहीं है? मुझे जल्दी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे तो पहले क्यों नहीं बोली तू रे? क्या कल तेरे को खाना खिलाऊं? इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? अरे तू चल तो सही, शंकर दादा जिधर खड़ा हो जाएगा खाना उधर अपने आप बैठ जाएगा। क्या अक्की बम्बई कामती आप उनके नाम से? क्या वो सामने ईरानी मास्टर का होटल है, आप उनका बहुत दोस्त है। चल तेरे को खाना खिलाऊं, चल चल। इस हरामखोर ने तो नाक में दम कर रखा है, जैसे कि ये होटल इसके बाप का है। सेठ एक बार पुलिस में रिपोर्ट कर दो ना, सब सीधा हो जाएगा। अरे क्यों उल्टा सबक पढ़ाता है, पुलिस में जाएगा तो चाकू तेरा बाप खाएगा। अरे ये क्या बैदा भरे करता क्या जिनका? अरे बाप रे। अरे ओ खन चक्कर जरा होश में आ, नहीं तो हम दोनों की जान खा जाएगा वो उल्लू का पट्टा। ये ईरानी अपनी इज्जत करता है क्या, भाई के माफक समझता है। ये खोली आप उनके पास 6 बरस से है मालूम? खोली तो बहुत अच्छी है, भाड़े क्या देते हो? अरे आपन भाड़ा देते नहीं लेते हैं। क्या आपन भाड़ा दें तो अपना धंधा एक दिन में चौपट हो जाए। क्या धंधा है तुम्हारा? दादागिरी। दादागिरी? हाँ नहीं समझी। अरे दादागिरी बोलते हैं मार दाड़ और लफड़ेबाजी को, और आप उनका इस धंधे ने जवाब नहीं दे। क्या फिर तो तुम बड़े काम के आदमी हो, इतनी देर काहे को लगा दी? क्या सो गया था क्या? नहीं बाप, जरा बनाने में टाइम लगता है ना। है बनाने में टाइम लगता है ना, अरे इतने टाइम में तो अपन अच्छी दुनिया बना सकते हैं। चल रख देंगे, रख रख रख, चल हट जा बाजू, भाग जा, चाय वाय नहीं मांगता अब, चल खाओ। इतना ये तो मैं दूध में भी नहीं खा सकती। अरे बाबा तुम एक रात जितना खा लो ना, मैं खा खा खा। डरो नहीं है, कमजोर है ना, तभी पुलिस से भी डरती है। चल खा। चीज दिखाऊं रिया ना, जानती है ये कौन है? ये है लीला। लीला मुखर्जी? हाँ आप उन इसका आशिक है। क्या गाती है रे? बस यही एक नशा है आप उनको। नशा? आप उन दारू नहीं पीता, पान नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिर्फ इसका गाना सुनता है। तू भी एक रिकॉर्ड सुनेगी इसका? नहीं नहीं मुझे बहुत देर हो गई है। सुन रे आपन की बात को दूसरी बार ना मत बोलना, नहीं तो वादा हो जाएगा। उठा ये ग्रामोफोन और चल मेरे साथ। अरे उठा, चल 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 चल। आज आपन 4 महीने के बाद रिकॉर्ड सुनने लगे हैं रे।
और वो भी तेरी खातिर है। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई लफड़ा खड़ा हो जाता है। ये लफड़ा कैसा? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। रिकॉर्ड सुनते ही आप उनका भेजा घूम जाता है। इधर लीला की आवाज कान में पड़ती है और उधर आपन के खून में बैंड बजने लगता है। क्या क्या बैंड? आपन पागल हो जाता है रे। इधर लीला का गाना सुना और उधर आपन का भेजा घूमा। मैं लीला नहीं, मैं लीला नहीं, मैं चंचल हूँ। डर गई? अपन तो पहले ही बोले थे रे कि गाना सुनते ही अपन का भेजा घूम जाता है, अपन पागल हो जाता है रे। अखी दुनिया अपन को लीला नजर आती है। दूसरी साइड भी सुनेगी, वो भी लीला की है। नहीं नहीं, एक साइड ही काफी है। डरपोक कहीं की है, डर गई ना। ए, चल इधर आ, चल 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 चल। बैठ जा। अरे बैठ जा, पहले इसे बंद कर दो। ओ शंकर बाजू हट। क्या? अबे बाजू हट, बड़ा दादा बना फिरता है क्या? ए, अपने एक शंकर इस पॉकेट में एक इसमें लेके घूमता है क्या? ऐसे ही पुलिस का गाड़ी अपन का पीछा नहीं कर रही थी रे? अपन नालियों में मछली का शिकार नहीं खेलते, दरिया किनारे मगरमच्छ का शिकार खेलते हैं। मगरमच्छ का? सेठ लक्ष्मीदास का नाम सुना रे? नहीं तो कौन है वो? तो फिर छोड़ दादागिरी। चीकू बे चीकू, लाली की तिजोरी में 10 लाख रुपया रोकड़ा है, रोकड़ा मालूम? 10 लाख रुपया रोकड़ा? अरे फिर तू अपन को अभी ले चलना उसके पास, जाते ही लाले को लीला का रिकॉर्ड सुना देंगे। अबे यहीं तो गाड़ी लेट हो जाती है तेरी, अपन किसी खून खराबे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते क्या? मैंने उसे शादी का झांसा दे रखा है और उसी झांसे के चक्कर में वो ठीक 6:30 बजे एक जगह आने वाला है। क्या? कहाँ आने वाला है रे? अरे वाह, ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले वादा करो कि तू मेरा साथ दोगे क्या? अरे तो खाली एक बार अपन को उसकी सूरत दिखा दे।
बाकी आप उन खुद निपट लेंगे। हा? ये बात है हा? तो हो गई बात। हाँ सोलानी हो गई। ठीक 6:30 बजे गेट वे ऑफ इंडिया पर पहुंच जाना। क्या वहाँ उसकी सूरत भी दिखा दूंगी, बाकी भी सब जा दूंगी। मगर अभी कहाँ जाती है? गेट वे ऑफ इंडिया पहुंचने से पहले जरा बनसमर के आना होगा घर से। क्या घर कहाँ है? घर दलाल स्ट्रीट। ए, फिर वही बंडलबाजी। पहले बोला खड़ा पारसी, अब बोलती है दलाल स्ट्रीट। चकमा देती है अपन को क्या? तू तो एकदम बंडल दादा है रे। क्या चिकू बे चिकू, पहली दफा भी कोई सच बोलता है रे। अब समझा अरे, अपन को पहले बोलना था ना। ए, चल तेरे को दलाल स्ट्रीट छोड़ा हूँ। ग्रामोफोन उठा। अब तो उठा। अरे उठाना। अरे उठाना, उठा। अच्छा मैं ये उठाता हूँ ग्रामोफोन, और तू लीला जी को उठा कर ला। ओ फ्लैट में रहती है रे? और कौन रहता है तेरे साथ रे? एक माँ और दो नौकर। ओ कल से अपन भी तेरे साथ फ्लैट में रहेंगे रे। अब तू ज्यादा बातें ना बना और मुझे जाने दे। तैयार होकर ठीक 6:30 बजे गेट वे ऑफ इंडिया जो आना है। अरे हाँ, हम चल तेरे को दरवाजे तक छोड़ा रे। चल चल। क्या हुआ रे? अरे कुछ नहीं रे। अच्छा अपन जाता है रे क्या? टाटा टाटा। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जमाने से दूर। हाँ
कौन हैं आप? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं आप? अजी जनाब, अभी तो दिन निकलने वाला है, मैं जरा सैर करने निकली थी। आपको मिसरी में उलझा देखकर सोचा सोचा कि सुलझा दूं। जी बहुत शुक्रिया, क्या फिल बदी कहती हैं आप। शुक्रिया, आप भी तो साहिब कलम मालूम होते हैं। जी नहीं, साहिब पेंसिल कहिए, साहिब पेंसिल। क्या आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम लता है, आपका नाम क्या है? जी अभी तक तो बेनाम हूँ, शायद मरने के बाद नाम हो जाए। वैसे मुझे प्रकाश कहते हैं। आप रहते कहाँ हैं? मैं यहीं पास ही रहता हूँ, लेकिन रातें अमूमन यहीं बैठकर गुजर जाती हैं। वो क्यों? वो सरकार ने बिजली के खंभे गलियों में जो लगवा रखे हैं। आदमी आप काफी दिलचस्प मालूम होते हैं। जी इसीलिए भूखा मरता हूँ। बिजली चलाइए ना। बिजली? बिजली होती तो बंदों को गली में बैठने की क्या जरूरत थी। बाल्टन जलाता हूं। अजीब कमरा है आपका, कोई रोशनदान ही नहीं, सिर्फ खिड़कियां और एक दरवाजा। बंबई में यह भी गनीमत है, वरना किबला यहाँ तो बगैर दरवाजों के कमरे मिलते हैं। आप तशरीफ रखिए। अच्छा छोड़िए इन बात, आइए कुछ शेर शायरी हो जाए। हाँ। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा इसलिए कि कोई आ न जाए। यहाँ तो सिवा दूध वाले भैया के और कोई नहीं आता, और आज शायद वो भी ना आए क्योंकि उसके अभी तक पैसे नहीं दिए। कोई भी हो, जरा सी आहट से ख्याल बिखर जाते हैं और जबान पर आया हुआ शेर भूल जाता है। ठीक कहती हैं आप। हाँ जी, तो फिर इरशाद। पहले आप कहिए। अच्छी बात है, गाकर ही सही, लेकिन आपको भी गाकर साथ देना होगा। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। Bye.
एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। लीजिए, अब आपको चाय पिलाता हूँ। मैं क्या करूँ? देखिएगा, आप मुझे किसी तरह यहाँ छुपा दीजिए। क्या बात हो? कहाँ छुपा लिए? मैं आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। प्लीज। अच्छा अच्छा, अच्छा। दरवाजा खोलिए। खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। क्या बात है? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? जी हाँ हाँ, क्यों? शुक्र कीजिए किबला कि आपकी जान बच गई, वरना उसके सर पर तो खून सवार है। कहाँ है वो? वो कौन? अजी वो अंजू। ये अंजू कौन है? जी लड़की। लड़की? जी हाँ। वाह 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 वाह, कितना प्यारा लफ्ज है, लड़की। कबला एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए कबला। मुखरा लड़की, लड़की। जियो, लाख बरस जियो कबला। आज तक तो मैंने लफ्ज सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख, मेरा मतलब यह है कबला, आज आपके मुंह से मैंने सुन भी लिया। वाह वाह, क्या बात पैदा की। वल्ला आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या हुआ भाई? खटमत खटमत। आप ये तो बताइए, यहाँ गा कौन रही थी? गा कौन रही थी? बता, ठीक का जवाब नहीं है। जी आप ये पूछ रहे थे ना, गा कौन रही थी? आइए आइए, मैं आपको बताऊं। वो सामने एक बहुत बड़ा संगीत विद्यालय है, सुबह 4 बजे से ही तान पलटे शुरू हो जाते हैं, आपने भी वहीं से किसी की आवाज सुनी है। मालूम होता है हमें धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ एकदम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए। आइए बाहर निकल आइए, वो लोग चले गए। मेरा नाम अंजू है। और लता तुम्हारा तखल्लुस है? जी नहीं, वो मैंने झूठ बोला था। और वो भी फिल्मी? क्यों? कुछ बात ही ऐसी थी, आप नहीं जानते मैं किस मुश्किल में हूँ और यहाँ कैसे पहुंची। मैं जानना भी नहीं चाहता, झूठों से मुझे कोई लगाव नहीं होता। तो फिर मुझे बचाया क्यों? मैंने आपकी शायरी पर तरस खाया है। आप जा सकती हैं। आपने मुझे गलत समझा है, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है।
ये घड़ी ठीक है? मेरी चीजें झूठ नहीं बोला करते हैं। ठीक 6:30 बजे मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, जिंदगी और मौत का सवाल है। गेटवे ऑफ इंडिया, जिंदगी और मौत, आखिर किस्सा क्या है? किस्सा लंबा है और वक्त बहुत कम है, मैं फिर आकर सब बता दूंगी। मैं जाऊं? हाँ। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे। एक मिनट बाकी। थैंक यू। एक मिनट बाकी, अच्छा टाइम बताया भाई ने। टाइम टू टाइम। अरे आप उनके घड़ी तो 2 महीने से बंद पड़े लिए भाई, क्या तो बांधी किस लिए आपने? आपने टाइम के लिए नहीं, शो के लिए बांधे लिए। शो के लिए? मॉर्निंग शो। मैं कब से ढूंढ रहा था, वो हीरो का बैग कहाँ है? बैग नहीं, बक्सा, बक्सा। उसमें और भी कीमती चीजें। ओह वंडरफुल, मगर वो है कहाँ? कहीं और जाना पड़ेगा। उस आदमी को देखते हो जॉनी? वो तो दिख रहा है, मगर बक्सा कहाँ है? बक्सा अभी आता ही होगा। इससे पहले कि वो बक्से को गायब कर दे, तुम उसके पास पहुंच जाओ। ओके। मगर बताओ तो सही, वो है कहाँ? पूरा excuse me, माफ करना, मालूम होता है आप बाहर गांव से आए हैं। आपका मतलब? मतलब तो कुछ नहीं, ये खाली मेरा एक आइडिया है। हाँ ठीक है, आपका आइडिया। बिस्तरा कहाँ है? बिस्तरा? हाँ, ये मेरा दूसरा आइडिया है और तीसरा भी आइडिया है। बिस्तरे के साथ बक्सा भी होना चाहिए। बक्सा? यस। कैसा आइडिया है? अपने आइडिया अपने पास रखो मिस्टर, जाओ अपना रास्ता लो। नमस्ते सेठ, आप उनको बोलो ना ये क्या लपड़ा है, अभी एक झापड़ देता हूँ। क्या तुम कौन हो? अपन तुम्हारे गुलाम है सेठ। अरे क्यों रे, काय को सेठ के गले पड़ता है? गले कौन पड़ता है मास्टर? मैं तो खाली ये पूछ रहा था कि बिस्तरा और बक्स कहाँ है। ओ अपन समझ गया सेठ, ये किसी होटल का एजेंट है क्या? क्यों रे? बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारा आइडिया भी सही है, मगर मुझे किसी होटल में नहीं जाना। लाजवंती तो आपको कब से बुला रही थी, न जाने आपका ध्यान किधर था। मेरा ध्यान तुम्हारी मम्मी की तरफ था। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मम्मी? ओह, मम्मी की जगह डैडी आ गए।
इसलिए तो मैं यहाँ छुप गई हूँ। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराइए, मम्मी की जगह डैडी आपको पसंद कर लेंगे। आइए आपको डैडी दिखाऊं। चलिए। नमस्ते डैडी। डैडी, मगर मैंने नहीं पहचाना आपको। आप पहचाने भी कैसे, पहली बार आपके शरण आया हूँ। आप हैं कौन? अपना बच्चा ही समझिए। अच्छा? कुछ कह नहीं सकता, लाजवंत की तरह मुझे भी शर्माने की आदत है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपकी आज्ञा और राय। क्या मैं आपको शरीफ प्रोग्राम पर नहीं आता? आते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इन बातों की फुर्सत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर थोड़ी देर के बाद आके मिलूंगा। नमस्ते। थैंक यू। कभी गलत नहीं होता। अरे रखो भाई, इधर रखो। तुम कौन हो हुकम चलाने वाले इडियट? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम जॉनी वॉकर है, इडियट नहीं, क्या समझे? ओ डार्लिंग, तुम आ गई। मैं तो सोच रहा था कि तुम नहीं आओगी। क्यों? तुम्हारे फटाफट टाइप की शादी तो बहुत लेट हो गई। शादी कहीं भागी तो नहीं जाती चंदन? पहले उस करोड़पति के दर्शन तो कर लो जिसे ब्लैकमेल करना है। अरे हाँ, कहाँ है वो? वो सामने। कुछ भी है, अपना काम करो जाकर। वही तो कर रहा हूँ। ये बक्सा मेरी होटल में जाएगा। होटल में जाएगा? कम से कम 5 करोड़ का आदमी है। अजीब आदमी है। मवाली है। अरे तुम एक झापट क्या? एक शरीफ आदमी को तंग करते हो। देखिए ना। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है सेठ जी, ये तो इंसानी फर्ज है, कुछ दे दीजिए इन्हें। ये लोग चले जाएंगे। मुझे तो बक्सा दे तो मैं चला जाता हूँ। बक्सा चाहिए, बख्शीश नहीं। क्या देखा, हल्का हाथ था ये। कमाल तो तुमने कर दिया डार्लिंग। मैं तुम्हें किधर से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? अरे मैं तो यही था। वो रहा मेरा बक्सा। अच्छा, एक मवाली ने उस पर कब्जा जमा लिया है डार्लिंग। व्हाट? तुम उठते क्यों नहीं मिस्टर? आखिर इस मुसीबत का इलाज क्या है? मेरी होटल। हाय मिस्टर, ये बक्सा उठाओ और मेरी गाड़ी में पहुंचाओ। वंडरफुल, बहुत अच्छे, आपका आइडिया तो मेरे घर से भी 2 घर आगे। जवाब नहीं, यानी कि ये बक्सा उठा के आपकी मोटर में रख दूं? जी हाँ। मगर क्यों? क्यों नहीं, एक बात, आप कौन है जी? और आप कौन है जी? अंजू, इंस्पेक्टर साहब, ये रामू की लाश समंदर में फेंकने आया है। इंस्पेक्टर साहब, लाश? तुम्हें क्या हो गया है बेटा? कहाँ है वो? कहाँ है वो? इस बक्से में है वो। खाली मुर्दा गायब? इंस्पेक्टर साहब, इसने लाश को कहीं गायब कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से रामू का खून होते देखा है इंस्पेक्टर साहब। अरे काय को बंडल फेंकती है? अरे बक्सा तो बिल्कुल खाली है। क्या कुछ आप लोगों की समझ में आया भाई लोग? आप ही सबकी समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, जरा इन सबसे पूछिए कि आज ये यहाँ क्या लेने आए। तो क्या इधर आने का पासपोर्ट लगता है? गेटवे ऑफ इंडिया पब्लिक प्लेस है, यहाँ जिसका जी चाहे आ सकता है।
और जिसका जी चाहे जा सकता है। झूठ! इंस्पेक्टर साहब, ये पांचों यहाँ दूल्हे बनकर आए हैं मुझसे शादी करने। शादी? अरे वेरी गुड आइडिया, बुरा नहीं है। शट अप! गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कहीं से फोन तो नहीं कर दिया? इंस्पेक्टर फोन, आप कौन? जी आप हैं लोनावला के डॉक्टर गदरे? जी हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। ये लड़की मेरे प्राइवेट पागलखाने से भागी। इंस्पेक्टर साहब ये पागल है। पागल? 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 जी हाँ इंस्पेक्टर, हमने रात भर इस लड़की का पीछा किया है और लोनावला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की है। झूठ, बिल्कुल झूठ। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों भी खूनी के साथी हैं। मुझे जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। अरे तुम पागल नहीं तो आप उन पागल हैं क्या? आप भी खूब हैं इंस्पेक्टर साहब, एक पागल की बातों में आकर राजचंद्रों को परेशान कर दिया। सॉरी जेंटलमैन, आप लोग जा सकते हैं। ये लोग नहीं जा सकते इंस्पेक्टर साहब, ये सब बदमाश हैं। इन्हें रोकिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो बदमाशी करके और मजबूत हो जाएंगे। वंडरफुल, कौन सी बदमाशी की हमने मैडम? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जो शराब को स्कॉटलैंड का पानी कहता है, जो शराब बंदी के जमाने में चोरी की शराब बेचकर मुल्क का कानून से गद्दारी करता है। मेरा आइडिया है मैडम, को समंदर की नमकीन हवा लग गई है। क्यों सूट वाले साहब? अरे सूट वाले मास्टर से क्या पूछते हो, जो खुद कोकीन बेचता है। So what? क्विनीन बेचना कोई जुर्म नहीं? क्विनीन नहीं, कोकीन। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी अपनी क्लब की ओर लेकर जुअर कोकीन का बिजनेस करता है। जो लड़की एक बार इसके क्लब में गई, फिर कभी वापस नहीं आई। तो फिर आप कैसे आ गए? जैसे तुम्हारे डांसिंग स्कूल से, जहाँ तुम्हारी बहन के इशारों पर औरत की इज्जत नाचती है, जहाँ औरत को माँ बहन और बेटी नहीं बल्कि एक पांव की जूती समझा जाता है। इसे आज एक ने पहन लिया और कल दूसरे ने। लानत ऐसे भाई पर और लानत ऐसी बहन पर। और आफरीन है तुम पर, जिसने बीमे की रकम वसूल करने के लिए अपनी बीवियों को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की तिजोरी में नोटों की शक्ल में 6 बीवियों की लाशें हैं। क्या बंडल बात है, नोटों की शक्ल में 6 बीवियों की लाशें हैं? अरे वालदार, आप उनको तो ये छोकरी जानती भी नहीं है क्या? क्या मैं और लीला मुखर्जी के आशिक को नहीं जानती, जो उसका रिकॉर्ड सुनकर मुझे मार देना चाहता था? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी चाकू मार दादा है, मार धाड़ लफड़ेबाजी इसका धंधा है। देखा आपने, दौरे का दबाव बढ़ गया। आप इसे ले जाइए। मैं कहती हूँ रोकी, एक तरफ तो पब्लिक से अपील करते हैं कि कानून की मदद करो और दूसरी तरफ हाथ पे आए हुए मुजरे को कैसे छोड़ देते। मैं कहती हूँ रोकी। क्या वाले ने की थी, ये मुझे भी मार डालेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतने नामों का खून किया है। तुम्हें क्या हो गया बेटे, तुम्हें कोई मुजरिम नजर आता है और कोई खूनी? तुम खूनी नहीं तो क्या हो, तुमने रामू का खून किया। फिर वही बात, भला मुझे एक मामूली नौकर से क्या लेना था बेटे? पिताजी के कागजात, जो कि रामू की बजाय मेरे कब्जे में। कहाँ है वो कागजात? इंस्पेक्टर साहब, वो कागजात मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। अरे मेरा कोट, मेरा कोट, वो तो मैं वही भूला है। देखा इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कमीज पहनकर कोट की बातें कर रही है। तुमने कोट पहना भी था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो कोट तो मैं रात को भी पहने सोया करती थी। देखा इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके हवाले न कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, चलिए मैं आपको कोर्ट दिखाती हूँ। अरे कोई सुनो, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। ये रहा कोर्ट इंस्पेक्टर साहब। ये रहा कोच, और ये रहे वो कागजात। ये तो कोई नक्शा मालूम होता है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसी नक्शे के कारण तो रामू का खून हुआ है। ये उस जगह का नक्शा है जहाँ मेरे पिताजी ने अपनी सारी दौलत दबा रखी है, इसे हासिल करने के लिए। ये मेरा चाचा मुझे पागल बना रहा है। पागल? अजी कबला, लड़की पागल नहीं हो सकती। आप इसे जानते भी हैं, अगर जानता नहीं तो पहचानता जरूर हूँ। आज सुबह जल्दी में अपना कोर्ट मेरे यहाँ भूल आई थी, लेकिन हमें कोर्ट से क्या वास्ता है? जिस लाश के बारे में ये कह रही है वो कहाँ? Come on!
नमस्ते नमस्ते। आज शाम की गाड़ी से मैं और आप भोपाल जाएंगे। दो घड़ी हो